नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। कल बीपीएससी 66वीं बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम हुआ था और मैं उसके सेट ए का सॉल्यूशन लेकर आप सबके सम्मुख आया हूं। मेरी कोशिश है कि यह जो सॉल्यूशन हो वो एरर फ्री हो। इसके पहले भी मैंने इसका अपलोड किया था लेकिन वो देखने में कुछ समस्याएँ आ रही थी, सही से नहीं हुआ था, तो इसको फिर से मैं लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पास सामने स्क्रीन पर अंग्रेजी वर्जन है, बगल में मेरे पास हिंदी वर्जन भी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक आर। रेडिएशन जो कि क्या है, मांसपेशियों के दर्द के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, तो वो होता है इसका पहला का आंसर हो जाएगा ए, इंफ्रारेड। दूसरा सवाल है द टोटल रेजिस्टेंस, इसका दूसरे का सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी, टोटल इसका हो जाएगा डी। जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू प्लस 1/rn करके है। तीसरा है कि ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमी कंडक्टर, गर्म करने पर क्या होता है सेमी कंडक्टर का अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये जो है घटता है, तो 3 का हो जाएगा बी। चौथा है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट क्या है, तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का डी, इट्स ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब पांचवा है कि लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है डिस्टेंस की इकाई है, हम सभी जानते हैं एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। सिक्स है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो कौन सा नहीं बदलता है, तो सिक्स का आंसर हो जाएगा सी, सी यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होता है, ये पहले पूछा हुआ सवाल है। सातवां है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यानी स्पीड ऑफ लाइट, सीधे सीधे है उसको इनडायरेक्टली पूछ लिया है। सेवन का ए हो जाएगा 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। आठवां सवाल है कि पहला मनुष्य जिसने की क्या है कि चांद पर अपना पैर रखा था, तो इसका हो जाएगा आठवां का आंसर हो जाएगा कौन सा बी, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, यद्यपि कि गए 3 लोग थे, 2 चांद पर उतरे थे जिसमें पहले ये थे नील आर्मस्ट्रांग, बाकी जो है बग्गी पर ही एक जो है रुक गए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं नौवां सवाल ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा बी 142, यहाँ पर देख रहे हैं 242 में से 94 घटाएंगे तो 148, 9 का बी सही आंसर हो जाएगा। 10 का है हाईएस्ट विस्कोसिटी जो हो जाएगा 10 का डी, सबसे अधिक विस्कोसिटी किस में होती है, हनी में होती है। 10 के बाद हम लोग आते हैं 11वां सवाल है कि मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो दूध होता है वो किसका जो है पुअर सोर्स है, तो ये विटामिन सी का पुअर सोर्स है। 12 है द ब्रेथ टेस्ट कंडक्ट है, जो शराब पीते कर गाड़ी चलाते हैं तो उनका जो ब्रेथ टेस्ट पुलिस को द्वारा लिया जाता है तो उस यंत्र में क्या लगा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। 13वां सवाल है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाई द एंजाइम, बिल्कुल सही 13 का ए, माल्टेज हो जाएगा इसका सही आंसर। 14 है लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाई 14 का बी CO2। 15 सवाल है द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस, इनकम्प्लीट जो है बर्निंग क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, 15 का सही आंसर हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है। 16 है pH ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, द एच प्लस आयन कंसंट्रेशन विल क्या हो जाएगा, 16 का सही आंसर हो जाएगा डी, डिक्रीजेस 1000 टाइम्स। 17वां पाते हैं हम लोग। 17 सवाल है कि रेत और नेपथेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, रेत और नेपथेलिन के मिक्सर को, इसको 17 का ए हो जाएगा, सबलिमेशन या ऊर्ध्वपातन इसे हिंदी में कहते हैं। 18 हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन आर, 18 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 12 and 3, 18 का सी। 19 है द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया आर, तो इसका 19 का डी हो जाएगा CH, N और O, इसका हम लोग जो फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें पाते हैं ये चारों पाया जाता है। 20 का है द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग इज, तो सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, यानी कि सबसे बुरा कंडक्टर इसमें कौन सा हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा बी, 20 का लीड होगा सही आंसर, ना कि मरकरी जैसा कि इसमें टिक लगाया हुआ है। 21 सवाल है
21 सवाल है जो कि है, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटाता हूँ पहले। 21 है, द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमने में जो है कौन सा विटामिन, तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विटामिन के। 22 है, द फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन, फीमेल का एस्ट्रोजन और मेल का कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। 23 है, नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज वाज गिवन टू, 23 का हो जाएगा ए, आरविद कार्लसन। अब आगे आते हैं हम लोग, 24 है, 24 का सवाल है, द माल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, इसका हो जाएगा 24 का आयोडीन, 24 का कौन सा हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, 25वां सवाल है, द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस, बिटरनेस के लिए ह्यूमन टंग का जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं मनुष्य की जो जीभ होती है वो अलग अलग पार्ट जो होता है उसका अलग अलग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ बिटरनेस यानी कड़वाहट के लिए पूछा जा रहा है, तो कड़वाहट के लिए इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सी, पीछे का भाग, सी हो जाएगा पीछे का भाग। अब 26वां है, जिंजर इज ए स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज, 26 का हो जाएगा बी, इट हैज नोड्स एंड इंटर नोड्स। अब 27वां है, द स्वीटेस्ट शुगर एमंग द फॉलोइंग इज, 27 का ये बिल्कुल सही, फ्रुक्टोज। अब आगे हम लोग चलते हैं, 28 का हो जाएगा, 28 सवाल पहले हम लोग देख लेते हैं, 28 सवाल है, एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट जो है कौन सा सच्चा फल नहीं है, तो 28 का हो जाएगा ए, एप्पल जो है वो ट्रू फ्रूट कंसीडर नहीं किया जाता है। 29 है, लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन, लेग्यूम्स जो होते हैं फली, ये किस किस में क्या रिच होता है, तो ये प्रोटीन रिच होते हैं। 30वां सवाल है कि क्लोव जो है, लौंग एक मसाला है, लौंग जो मसाला हम लोग जानते हैं ये किससे प्राप्त होता है, 30 का डी हो जाएगा, फ्लावर बड से, फूल की कली से, ये अभी पहले पूछा हुआ सवाल है। 31वां है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एज द हेड ऑफ ऑल इंडिया वुमेन सेलेक्शन कमिटी, तो इसका 31 का सही आंसर हो जाएगा बी, नीतू डेविड, 31 का क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हु हैज़ वोन द वुमेन्स सिंगल्स यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, वुमेन्स सिंगल्स यूएस ओपन की बात कर रहा है 2020, 32 का हो जाएगा सही आंसर ए, नाओमी ओसाका, बिल्कुल सही। 33 है, विच एथलीट स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द लंदन मैराथन हेल्ड ऑन 4 अक्टूबर 2020, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का बी, सूरा किटाटा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, 35 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD का जो है हाल ही फिलहाल में परेश रावल को चेयरपर्सन जो है नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 36 देखते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ DRDO के जो चेयरमैन है कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, अभी इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था लेकिन 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। 37वां है, फॉर विच डिसिप्लिन डॉक्टर बुसरा अतीक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020, शांति स्वरूप भटनागर जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और 37 का सही जवाब हो जाएगा सी, मेडिकल। 38वां सवाल हम लोग देखते हैं, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2020, विश्व जो नोबेल का शांति पुरस्कार है इस बार किसी व्यक्ति विशेष को न देकर संस्थान को दिया गया है, और संस्थान क्या है वो है विश्व खाद्य कार्यक्रम। 34 छूट गया था, हम लोग जानते हैं कि MS धोनी के साथ किसने संन्यास लिया था, सुरेश रैना ने संन्यास लिया था, उन्हीं के साथ ये खेलते थे, उन्हीं के टीम में शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग में दोनों साथ ही खेलते थे और काफ़ी अच्छे मित्र माने जाते थे, और जिस दिन धोनी ने संन्यास लिया था उसी दिन इन्होंने भी संन्यास लिया है। 39 सवाल है कि विच इंडियन फिल्म एक्टर, यानी कौन सा भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयुष्मान खुराना। अब हम लोग आते हैं 40 में है, हाउ मेनी इंडियंस बीचेज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट रिसेंटली, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है, तो अनुशंसित किया गया था 8 को, यानी कि 40 का सी हो जाएगा और 8 को मिल भी गया, तो 41 का आते हैं हम लोग आगे,
रामविलास पासवान, अभी हाल ही फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई। इनके बेटे चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में काफ़ी खलबली भी मचाई और कहा जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है बिहार में वो इसी इन्हीं की पार्टी की वजह से खराब परफॉर्मेंस कर सकी, क्योंकि जदयू के हर कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने उतारा था। खैर 41 का सही आंसर हो जाएगा कि कहाँ से उन्होंने अपना जो है राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, तो 41 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 41 का सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। आगे देखते हैं 42 का है कि बिहार में चुनाव की घोषणा कब की गई थी, 42वां का सीधा सीधा सवाल है, तो ये है सी, 25 सितंबर को घोषणा की गई थी कि भाई बिहार में तीन चरण में जो है सो चुनाव होगा। अगला सवाल है 43 में क्या है कि 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में हर घर तक फाइबर योजना का प्रारंभ किया गया था, तो 43 का सही आंसर बिहार हो जाएगा सी, हर घर फाइबर जो है कहाँ शुरू किया गया था, बिहार में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 44वां है कि भाई लोकसभा के लिए पहली बार जो है लेट रघुवंश प्रसाद सिंह कब चुने गए थे, तो 11वीं लोकसभा में पहली बार चुने गए थे, लगातार 5 बार जीते, पिछले 2 बार से ये हार रहे थे, अपनी पार्टी जिसमें वो राजद में है थे माफ कीजिएगा, तो उससे कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे और अंत में इनकी कोरोना से मृत्यु हुई। इनके पुत्र फिलहाल जदयू में शामिल हो चुके हैं। 45वां सवाल है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक जो है अनौपचारिक युद्ध नीति समूह है, इसमें से कौन इसका सदस्य नहीं है, तो चाइना का इसका सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही जवाब, 45 का सी होगा, ये चाइना के खिलाफ ही एक तरह से बना हुआ है, इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य हैं। 46वां है हु रिप्रेजेंटेड इंडियाज परस्पेक्टिव इन द 46वां है कि भाई ब्रिक्स का संस्कृति मंत्रियों का जो बैठक हुआ था तो भारत का उसमें नेतृत्व किसने किया था, तो संस्कृति मंत्रियों का था, तो संस्कृति मंत्री कौन से इससे रिलेटेड कौन है, तो इसका हो जाएगा 46 का ए, प्रहलाद सिंह पटेल। 47वां आते हैं, 36वां एशियान समिट वर्चुअली 2020 में कहाँ हुआ था, तो 47 का हो जाएगा सही आंसर डी, वियतनाम। 48 है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, सिंगापुर। 49 इसमें भारत की रैंक क्या है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है 49 का, रिसेंटली यूएसए में जो है ऑपरेशन मागा, मागा जो है ये किससे संबंधित है, तो ये है डोनाल्ड ट्रंप का री इलेक्शन कैंपेन से। मागा का फुल फॉर्म होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही स्लोगन देकर 2016 में जो है भाई साहब हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं चुनाव जीत गए थे, काफ़ी कई सारे वादे किए थे कि मेक्सिको के बॉर्डर पर हम दीवार खड़ी करेंगे और भी तमाम चीज़ें, और इस बार जब उन्हें कोविड हुआ तो वो जब हॉस्पिटलाइज थे तो इनके नेताओं ने, प्रमुख मंत्रियों ने जो कमान संभाली थी इनकी इलेक्शन की, तो उसको यही नाम दिया गया था, ऑपरेशन मागा। 50वां है, विच अरब स्टेट हैज स्टार्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो 50वां का सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात सी, और ये पहला है जिसने कोयला से भी बिजली बनाने का ये संयंत्र लगाया है। 51वां हो जाएगा, 51 का है कि पहला अरब स्टेट जो कि इसराइल के साथ शांति समझौता जिसने किया है वो हो जाएगा 51 का ए, पहला पूछ रहा है तो 51 का ए हो जाएगा। 52 है, 52 का सही आंसर हो जाएगा इंडिया, आईएलओ में 35 साल बाद फिर से भारत जो है इसको अध्यक्ष बनाया गया है। 53वां है मेरी सहेली, माई सहेली, ऑपरेशन मेरी सहेली जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, ईस्टर्न रेलवे के द्वारा संभवतः ये चालू किया गया है। 54वां सवाल है, फिट इंडिया अभियान की जो पहली वर्षगांठ थी तो इसमें कोटेशन जो है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, यह मंत्र किसके द्वारा दिया गया है, निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह दिया गया, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ए। 55वां सवाल है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या जारी किया था, तो 55वां का सही जवाब हो जाएगा सी, 100 रुपये का इन्होंने सिक्का जारी किया था उनके सम्मान में। 56वां है, विच स्टेट सोर्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लूपो हैज वोन दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो 56वां का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश, 56 का हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग आगे आते हैं, इधर देखते हैं 57वां सवाल, 57वां ई किसान धन किसने ऐप जो प्राइवेट है बैंक किसने लॉन्च किया था, तो इसका सही जवाब 57 का हो जाएगा बी, HDFC बैंक। 58वां सवाल है कि किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत के जो है
कोविड 19 परीक्षण की सुविधा दी गई थी, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है दिल्ली IGIMS पर दिया गया था। 59 है, राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो पहली बार जो है भारतीय ये वायुसेना में कहाँ सम्मिलित किया गया, तो 59 का बिल्कुल सही सी है अम्बाला में यस किया गया था, जब राफेल की जो पहली खेप आई थी तो 5 जो थे उसमें विमान, तो काफ़ी खलबली भारत में मची थी, विपक्षी दलों ने भी काफ़ी खलबली मचाई थी, मीडिया में भी काफ़ी खलबली थी, और पक्ष ने भी काफ़ी इसमें कहा था अपने समर्थन में कि हमने ये किया वो किया। 60वां सवाल है, द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका हो जाएगा 60 का हो जाएगा सही आंसर डी, ये हो जाएगा रुद्रम, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 60 का रुद्रम, 60 का सही जवाब हो जाएगा रुद्रम। इसमें जो मैंने डाउनलोड किया है इसमें 61 है ही नहीं, तो मैं पढ़ ही देता हूँ। 61 था कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं, तो इसका सही जवाब 61 का ए हो जाएगा कालीबंगा। 62 है, त्रिरत्न या तीन रत्न, बड़ा ही घटिया अनुवाद है ये, तो इसको अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ, त्रिरत्न और थ्री ज्वेल्स दैट इज राइट नॉलेज राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस धर्म से ये जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से 62 का सही आंसर सी हो जाएगा जैन धर्म। 63 है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क ने करवाया था। 64वां है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किस दर्शन ने किया था परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन, तो ये हो जाएगा डी, 64 का डी, वैशेषिक ने, कनाद ऋषि जो थे इन्होंने ही ये किया था। 65वां सवाल है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, 65वां का रक्त एवं लौह की नीति जो है 65 का बी हो जाएगा, बलबन ने अपनाया था इसको। 66वां है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो है व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, चोल स्थानीय स्वशासन की जब भी बात आए काफ़ी फेमस रहा है उनका, चोल हो जाएगा। 67वां है, पिट्रूडेरा शैली जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये ए हो जाएगा, मुगलों के समय में होता था कि जब वो बड़े बड़े भवन महल इत्यादि बनाते थे तो उसमें कीमती पत्थरों को दीवारों के साथ चुनवा देते थे, तो 67 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश कारखानाज फॉर पेंटिंग, 68वां का सी होगा मेरे हिसाब से, कहीं कहीं ये कुछ लोग इसका जवाब बी भी दे रहे हैं, 68 का लेकिन सी होगा मेरे हिसाब से, जहांगीर। 69 का है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स बाई, तो इसका हो जाएगा सही आंसर 69 का डी, लॉर्ड नहीं सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा 69 का सही आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है 70, हु एमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो इन 1893, 1893 की जो धर्म संसद हुई थी तो उसमें किसने भाग लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, काफ़ी फेमस है ये, इसके बाद स्वामी विवेकानंद भी काफ़ी, यह घटना भी काफ़ी फेमस है, और इस घटना के बाद स्वामी विवेकानंद भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे, और जैसे ही इन्होंने दो शब्द आरंभ में ही जैसे कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर शब्द का, तो घंटों ऐसा लोग बताते हैं कि शब्द मात्र को सुनकर घंटों तालियां बजी थी, तो विवेकानंद इस धर्म सभा में भाग लेने के बाद काफ़ी प्रसिद्ध हुए। हाल ही में चर्चा में इसलिए रहे कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे तो उन्होंने इनका नाम बड़ा ही गलत तरीके से प्रोनाउंस किया था, विवेकानंदन स्वामी कैसे करके। खैर 71वां सवाल है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो 71वां का सी है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। 72वां है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था, तो दीन बंधु मित्र, बिल्कुल सही, और ये सवाल भी काफ़ी पूछा हुआ है, दो तीन बार ये रिपीट किया हुआ है। 73वां सवाल है कि वांडीवास का 1760 में जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों का किसके खिलाफ हुआ था, तो 73वां का सही जवाब हो जाएगा ए, फ्रांसीसियों के, द फ्रेंच के खिलाफ हुआ था ये, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अब आगे आते हैं 74वां में, 74वां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूसेस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया, यानी 74वां कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया, तो 74 का हो जाएगा डी, भारत शासन अधिनियम 1909। 75वां आते हैं, कोल विद्रोह जो 1831 में हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था, वेस्टर्न घाट, बिल्कुल गलत है, 75वां का सही जवाब हो जाएगा बी, सीभूम में कोल बुद्धो भगत ने जो है इसका कोल विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था या किस क्षेत्र में इनके नेतृत्व में हुआ था, तो सीभूम। 76वां सवाल आता है,
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत आसान सवाल है, 76 का सी हो जाएगा, कुंवर सिंह। अब हम लोग आगे चलते हैं 77वें सवाल पे, कि चंपारण में इंडिगो में जो है किसानों यानी कि नील के किसानों की दशा की, गांधी जी दुर्दशा जो थी उसकी ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी वहाँ गए थे और उन्होंने वो गांधी जी से मिले थे, उस पर उन्होंने ध्यान दिलाया था। तो गांधी जी ने भी वचन दिया था कि हम मार्च अप्रैल के आसपास जो है आपके बिहार में आएंगे, चंपारण में आएंगे और वहाँ किसानों की दुर्दशा देखेंगे। तो इसका सही जवाब 77 का हो जाएगा, डी, राजकुमार शुक्ल। तो वीडियो के इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही, सेकेंड पार्ट में हम लोग जो है 78 से लेकर 150 तक के सवालों को देखेंगे। आई होप आपको इससे, आप उसके बाद आपको मिलाएंगे तो आपको आगे उम्मीद की किरण नजर आएगी और आप सबका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।